गुरुग्राम में एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। सेक्टर 27 में सनरीचार्ज के नाम पर बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे थे। यह खबर जब इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाई तो आखिरकार बिजली विभाग की नींद टूट गई। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर, अब लोगों को मिलेगी राहत। बिजली विभाग ने दिया समस्या के समाधान का आश्वासन। जी हां, गुरुग्राम के सेक्टर 27 के लोगों ने राहत की सांस ली है और लोगों को मिलने वाली राहत के पीछे कोई और नहीं बल्कि आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा है। दरअसल इंडिया न्यूज हरियाणा ने कुछ दिन पहले दिखाया था कि सन्ड्री चार्जेस के नाम पर किस तरीके से गुरुग्राम के सेक्टर 27 के लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल मिल रहे थे। बिजली विभाग ने किसी को 20,000 का बिल थमाया तो किसी को 25,000 और किसी को 60,000 का बिल। लेकिन जब इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आखिरकार संबंधित विभाग और अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने लोगों की शिकायत को सुना और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। और हमारे यहाँ पे सेक्टर में बिजली से संबंधित काफ़ी समस्या है। बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और जिसमें कि कुछ सन्ड्री चार्जेस के नाम पे ये लोग चार्ज कर रहे हैं 20-25%। और डिपार्टमेंट को इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सभी रेजिडेंट्स की समस्याओं को सुना जाएगा और जो बिजली के बिल में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या अगर मीटर फास्ट चल रहे हैं तो उसको ठीक किया जाए। जिस तरीके से भी अब SDO से भी मिले थे, हरीश जी मिले थे, हमारे सेक्टर साहब हैं और हंडा साहब भी मिले थे, तो आगे उन्होंने आश्वासन दिया है। तो देखो अभी एक दो दिन बाद फिर दोबारा से मिलेंगे, फिर पता लगेगा क्या होता है। दरअसल सन्ड्री चार्ज वो अतिरिक्त सर्विस चार्जेस है जो कि टैक्स के रूप में बिजली बिल में लगाया जाता है। लेकिन सेक्टर 27 के लोगों को बिजली के जो बिल मिल रहे थे उसमें सन्ड्री चार्जेस के नाम पर गड़बड़ झाला होता दिख रहा था। अब बिजली विभाग से समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद सेक्टर 27 RWA के लोगों ने राहत की सांस ली है और लोगों को उम्मीद है कि उन्हें अब इंसाफ मिलेगा। इस मौके पर सेक्टर 27 के लोगों ने इस इंसाफ की लड़ाई में इंडिया न्यूज हरियाणा के अतुलनीय योगदान के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इंडिया न्यूज का आप बहुत धन्यवाद कि हमारा ये मुद्दा आपने अथॉरिटीज को पहुंचाया और हमें उम्मीद है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा और अथॉरिटीज इस पे ध्यान देगी। इंडिया न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका बहुत आभारी है RWA, जिसकी वजह से आज डिपार्टमेंट के थोड़े से भी कान खड़े हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया लेकिन अब देखना होगा कि ये आश्वासन कितनी जल्दी जमीनी हकीकत बनकर लोगों को राहत देता है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।